हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अर्चना सिंह, आप लोगों का यूपीएससी मेंस के जीएस पेपर नंबर 1 के पॉइंट नंबर 1, जिसका टॉपिक है भारतीय संस्कृति के इतिहास में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के प्रारूप। तो इसमें हम लोग शुरू कर रहे हैं आज प्रदर्शन कला, मतलब कि विजुअल आर्ट। अभी तक हमने वास्तुकला और स्थापत्य कला के बारे में देखा था, जो कि काफ़ी लेंदी हो गया था। अब मैं 2 से 3 लेक्चर में भारतीय संगीत, जिसमें प्रदर्शन कला के अंदर करेंगे, तो मैं इस हिसाब से कराऊंगी जिस हिसाब से आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं क्वेश्चंस। तो हम थोड़े बहुत क्वेश्चन भी मैं आपको बताते चलूँगी कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भारतीय संगीत। इससे पहले जिन लोगों ने इसके पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं, वो प्लेलिस्ट में जाके इसके सारे पार्ट्स देख सकते हैं, जिसमें हमने प्राचीन काल से लेकर और आधुनिक काल तक के भारतीय वास्तुकला और स्थापत्य कला के प्रारूप के बारे में देखा था। तो चलिए शुरू करते हैं भारतीय संगीत। इंडियन जो हमारा सॉन्ग है, जितने भी प्रकार के संगीत हैं प्राचीन काल से और अब तक के, किस टाइप से इसमें कैटेगराइज किया गया है, तो हम विजुअल आर्ट में वो चीज़ हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम संगीत के बारे में जान लेते हैं कि संगीत होता क्या है। तो संगीत वह ललित कला है जिसमें स्वर और लय के द्वारा हम अपने भावों को प्रकट करते हैं। जैसे कि आप लोगों को एज यू नो कि हम लोग इसमें शब्दों का प्रयोग करते हैं, हम लोग इसमें लय का, ताल का, मुद्राओं का, इन सब का प्रयोग करके अपने जो अंदर के भाव हैं उसको प्रकट करते हैं, तो उसी को संगीत कहा जाता है। तो अगर आप इंट्रो के टाइम में ये सब लिख सकते हैं, तो इसमें आपको अच्छा, मतलब कि एग्जामिनर पे इम्प्रेशन पड़ेगा। यहाँ पे तो संगीत के बारे में आप 1-2 लाइन में इंट्रो में समझा सकते हैं, अगर संगीत के ऊपर क्वेश्चन आया तो। अब मेन जो क्वेश्चन आता है वो भारत में संगीत के ऊपर आता है कि भारत में संगीत की कितनी कैटेगरीज हैं। तो मेनली भारत में संगीत 4 कैटेगरीज में डिवाइड है। सबसे पहला है शास्त्रीय संगीत, फिर है लोक संगीत, फिर शास्त्रीय और लोक संगीत का समागम, जो मतलब दोनों को एक दूसरे में इंक्लूड करके नया जो संगीत बना है वो, और आजकल का जो लेटेस्ट संगीत है आधुनिक संगीत। तो इन 4 टॉपिकों के हम पूरा, मतलब भारतीय संगीत इन 4 टॉपिकों में सिमटा हुआ है। अब इनकी भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं, तो वो हम देख लेते हैं। जैसे कि शास्त्रीय संगीत के अंदर हमें 2 चीज़ें पढ़नी है, एक तो हिंदुस्तानी शैली और दूसरी हमें पढ़नी है इसमें कर्नाटक शैली। तो इन दोनों के बारे में हम इसमें देखेंगे। लोक संगीत की अपनी एक अलग कैटेगरी है, तो जैसे राजस्थानी लोक संगीत और जैसे मध्य प्रदेश में लोक संगीत चलता है इस टाइप से, कजरी हो गया, ये सब लोक संगीत हैं, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है शास्त्रीय और लोक संगीत का जो संगागम होता है, जिसमें कि सुगम संगीत आता है, रविंद्र संगीत आ गया, हवेली संगीत आ गया, गण संगीत आ गया, तो इसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा देखेंगे कि पूरा डिटेल में संगीत के जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हमें ऊपर से पता होना चाहिए कि इसके मेन या खास बातें क्या हैं। आधुनिक संगीत में इसकी कैटेगरीज है रॉक संगीत, पॉप संगीत, ब्लू संगीत, ट्रांस संगीत, जैज संगीत और साइकेडेलिक संगीत। तो इन सब के बारे में हमें एक एक दो दो पेजेस लिखना आना चाहिए कि एग्ज़ाम में अगर कुछ भी पूछ लिया जाए इन सब में से, तो हमें प्रॉपर पता होना चाहिए। तो इस ये जो सारे टॉपिक हैं, ये सारे संगीत से रिलेटेड है, हमें इन्हीं टॉपिक्स पे फोकस करना है संगीत में। तो बहुत ज़्यादा वास्ट है सिलेबस, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा जैसे एग्ज़ाम में आ सकता है मैं उस हिसाब से आपको कराती हुई चलूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ देखा था यहाँ पे शास्त्रीय संगीत। तो शास्त्रीय संगीत के अंदर का 2 कैटेगरीज है। सबसे पुराना संगीत अगर हम कहें भारत का, तो ये शास्त्रीय संगीत है, और इसमें 2 कैटेगरीज डिवाइड है, एक हिंदुस्तानी शैली है और एक कर्नाटक शैली है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये दोनों क्या होती हैं, इनके क्या प्रकार हैं, तो आज के लेक्चर में ये हम देखेंगे। सबसे पहले हिंदुस्तानी संगीत कहते हैं, तो हिंदुस्तानी संगीत को उत्तरी संगीत पद्धति भी कहते हैं, क्योंकि मेनली जो है वो उत्तर भारत में गाया जाता है, इसलिए इसे उत्तरी संगीत पद्धति कहते हैं। शैली में शुद्ध स्वर सप्तक या प्राकृतिक स्वरों के सप्तक के पैमाने को अपनाया जाता है, मतलब इसमें जो ओरिजिनल वैल्यू है सारे गामा पद वो इसमें ली जाती है, ओरिजिनल सुर जो 7 स्वर हैं वो लिए जाते हैं इसमें। 11वीं और 12वीं शताब्दी में मुस्लिम सभ्यता के प्रचार ने भारतीय संगीत की दिशा को यहाँ नया आयाम दिया था। हिंदुस्तानी जो शैली है, हिंदुस्तानी संगीत है,
मध्यकालीन मुसलमान गायकों और नायकों ने भी भारतीय संस्कार को बनाए रखा, मतलब कि हिंदुस्तानी संगीत को लेके ही अपने में मिक्स मैच करके, और इन्होंने नए संगीत, नए नए जैसे कि ध्रुपद हो गया, ख्याल हो गया, ठुमरी हो गया, ये सारे हिंदुस्तानी संगीत के अंतर्गत आते हैं। तो ये सारे मुसलमानों द्वारा भी जो दिए गए संगीत है और हिंदुस्तानी जो संगीत पहले से ही था, उन दोनों का मिक्सअप करके सब बनाए गए हैं। ये पद्धति उत्तरी हिंदुस्तान में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र प्रांतों में प्रचलित है। तो ये जो मेन, अगर हिंदुस्तानी संगीत के ऊपर आपको कुछ लिखने को आ जाएगा तो आप ये पॉइंट्स इसमें डाल सकते हैं, कहाँ पे प्रचलित है, मुसलमानों ने कैसे इसमें जब आए तो उन्होंने कैसे इसमें चेंजेस किए, स्वर कैसे स्वर यूज़ किए जाते हैं, इस टाइप से इसमें सब देना पड़ेगा आपको। अब इसकी 10 मुख्य शैलियां हैं, तो ये पूरी 10 की 10 हमें नहीं करनी है, मेन जो एग्ज़ाम में आता है वो हमें सिर्फ करना है। अभी तो मैं यहाँ सिर्फ दो आपको कराऊंगी, ध्रुपद शैली और ख्याल शैली, दो मैं आपको कराऊंगी, बाकी मैं एक बार और पेपर एनालिसिस करूंगी कि अगर कोई भी इम्पॉर्टेंट शैली लगती है जो एग्ज़ाम में आ सकती है, जैसे कि एक ठुमरी है वो थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट है, तो इसको मैं नेक्स्ट क्लास में करा के फिर मैं आगे बढ़ूंगी। तो अभी मैं सिर्फ ध्रुपद और ख्याल कराऊंगी, बाकी इसके अलावा 10 मुख्य शैलियाँ हैं। तो जब भी हिंदुस्तानी संगीत के बारे में आपको लिखने का आएगा तो ये आप 10 में से कम 6 शैली तो आप ज़रूर लिखेंगे एग्ज़ाम में, पूरी नहीं लिख पाए तो। बाकी आपको अगर पूरी 10 की 10 याद हो जाती हैं तो वेल एंड गुड। तो सबसे पहले ध्रुपद, फिर धमार, होरी, ख्याल, टप्पा, चतुरंग, रस सागर, तराना, सरगम और ठुमरी, ये मेन है। ध्रुपद जो है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की सबसे पुरानी गायन शैली को माना जाता है, जिसके निर्माता हैं स्वामी हरिदास। तो ये इंपॉर्टेंट है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ध्रुपद इसलिए कराऊंगी क्योंकि ध्रुपद शैली के बारे में क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, और ख्याल शैली के बारे में भी एक बार पूछा जा चुका है, तो ये दोनों हम मेनली करेंगे। बाकी बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी नहीं है जो बाकी सारी हैं 10 शैलियाँ, क्योंकि हमें संगीत के अंदर बारीकी से नहीं करना, बस ऊपर ऊपर से हमें टॉपिक्स देख लेने कि हाँ हमें 2-3 पेज लिखना आना चाहिए एग्ज़ाम में, हमें इतना मटेरियल मिल जाए। अब अगर हिंदुस्तानी संगीत शैली की विशेषता पूछ ली जाए तो आप ये पॉइंट्स अपने शब्दों में लिख सकते हैं। गीत के नैतिक निर्माण पर जोर दिया जाता है, मतलब कि नदी और सामवेदी स्वर, इसका मतलब ये होता है कि जो भी गीत का निर्माण होता है उसके अंदर नैतिक गुणों की ज़्यादा विशेषताएं, इस पर ज़्यादा बल दिया जाता है कि उसके अंदर नैतिक जो भूमिका है उसके बारे में बताया जाए। नेक्स्ट है, गायक तेजी से ताली के साथ गायन करता है जिसे जोधा कहा जाता है, मतलब कि ताली जोर जोर से बजाते हुए इसमें गाया, जो भी गाना गाया जाता है वो गाया जाता है। पूर्ण स्वरों को पूरा माना जाता है जब विकृत स्वरों के साथ गायन होता है, मतलब कि यहाँ पे कि अगर कोई आधा वर्ड यूज़ किया जाता है तो उसको आधा नहीं पूरा मान के ही वो गाना गाया जाता है। शुद्ध स्वरों की ठाट को तिलवाल कहा जाता है, शुद्ध स्वर जो यूज़ किए जाते हैं उसे तिलवाल कहा जाता है। स्वरों में रेंज और नचीलापन भी होता है इसमें। समय सीमा का पालन किया जाता है, सुबह और शाम के लिए अलग अलग राग होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा ध्रुपद में अलग होता है, ख्याल में अलग होता है, सब में अलग होता है, मतलब कि सुबह कुछ और गाया जाता है, शाम को कुछ और गाया जाता है, तो इस टाइप से यहाँ पर सुबह के लिए अलग राग होता है, शाम के लिए अलग राग होता है। ताल्य सामान्य होता है और राग लिंग भिन्नता पर आधारित होता है, इसका मतलब ये होता है कि राग जो होता है पुरुषों के लिए अलग राग बनाए गए हैं, महिलाओं के लिए अलग राग बनाए गए हैं, और ताल जो होता है बिल्कुल नॉर्मल होता है, ताल में कोई उतार चढ़ाव ज़्यादा नहीं होता। तो ये चीज़ यहाँ मेन इम्पॉर्टेंट है कि जो राग होता है वो लिंग भिन्नता पर यहाँ आधारित होता है। चलिए आगे बात करते हैं। तो इसके अंदर मैंने जैसे कि आपको बताया कि 2 शैलियों के बारे में बात करूंगी, एक है ध्रुपद गायन शैली और दूसरी आएगी अभी ख्याल गायन शैली। तो ध्रुपद के बारे में बात करते हैं, तो ध्रुपद जो है भारत की समृद्ध गायन शैली, और अभी हमने देखा था सबसे पुरानी जो है वो ध्रुपद ही है, जिसका स्वामी हरिदास ने उद्भव किया था इसका। ध्रुपद शब्द का अर्थ होता है ध्रुव प्लस पद, जिसका अर्थात है नियम या निश्चित या अटल, जो नियमों में बंधा हुआ हो। ध्रुपद मतलब कि जो पद नियमों में बंधे हुए हों उस हिसाब से ध्रुपद होता है। अधिकांश विद्वानों का यह मत था कि 15वीं शताब्दी में ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर ने इसकी रचना की है। अकबर के समय में तानसेन और उनके स्वामी जो थे, स्वामी हरिदास, बैजू बावरा, गोपाल नायक आदि इसके प्रख्यात गायक हैं। ध्रुपद की विशेषता, ध्रुपद गंभीर प्रकृति का गीत है, इसे गाने में कंठ और फेफड़े पर बल लगता है, इसलिए लोग इसे मर्दाना गीत कहते हैं, मतलब कि ज़्यादातर ये जेंसों द्वारा गाया जाने वाला गीत है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बल लगाया जाता है। तो ये तो नॉर्मल पॉइंट से आप लोग इसे समझ ही सकते होंगे।
कोई अगर इसमें क्रिटिकल पॉइंट आता है जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो, कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बोलिए, मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसे ज़रूर समझाऊंगी आप लोगों को। नेक्स्ट है नाट्य शास्त्र के अनुसार। नाट्य शास्त्र है भारतीय संगीत की एक बहुत प्राचीन पुस्तक है नाट्य शास्त्र। वर्ण अलंकार गान क्रिया यति वाणी लय आदि जहाँ ध्रुव के रूप में परस्पर संबंध है उन गीतों को ध्रुवा कहा जाता है। मतलब कि यहाँ पे हर चीज़ को ध्यान दिया जाता है, वर्ण कैसे यूज हो रहे हैं, अलंकार कैसे यूज हो रहे हैं, गान कैसे गाया जा रहा है, मतलब कि उतार चढ़ाव क्या है, लय क्या है, वाणी मतलब कि मेल फीमेल भी यहाँ देखा जा रहा है, तो इसमें अगर परस्पर संबंध होता है तो इसे ध्रुवा कहा जाता है। जिन पदों में उक्त नियमों का निर्वाह हो रहा हो उन्हें ध्रुपद या ध्रुपद कहा जाता है। मतलब कि ध्रुपद का मतलब ही है कि जो नियमों के साथ गाया जाने वाला गीत हो, तो ये जैसा कि आप समझ रहे होंगे इसीलिए इसे ध्रुपद या ध्रुपद कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे भारतीय ख्याल संगीत। तो ख्याल जैसे यहाँ पे आप देख सकते होंगे कि ये आधा ख भी बोलते हैं और पूरा ख ख के नीचे बिंदी भी लगाते हैं, तो ये दोनों टाइप से इसे बोला जाता है। तो ये भारतीय संगीत का ही एक रूप है, वस्तुतः ये ध्रुपद का ही एक भाग हम कहते हैं, बट आगे जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता गया तो ये ध्रुपद से बिल्कुल अलग होता गया। अंतर केवल इतना है कि ध्रुपद विशुद्ध भारतीय गायन है, ख्याल में भारतीय और फारसी संगीत का मिश्रण है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो इसका अंतर है वो आप याद रखेंगे। ये राजस्थान का एक प्रसिद्ध लोक नाट्य परंपरा भी है ख्याल गायकी। 14वीं शताब्दी में जौनपुर के सुल्तान हुसैन शाह ने ख्याल को विशेषतः प्रोत्साहित किया था और ख्याल के जो मेनली गायक हैं उनमें भातखंडे, विष्णुदेव, दिगंबर पलुस्कर, उस्ताद करीम खान, उस्ताद फयाज खान, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये नाम आप लोग याद रखेंगे इस ख्याल गायकी के लिए। ख्याल गायन में आगे हम देख लेते हैं, तो ख्याल दो टाइप के होते हैं, एक होता है बड़ा ख्याल और एक होता है छोटा ख्याल। अब इसमें अंतर क्या है कि धीमी गति में अगर गाया जाता है तो इसे बड़ा ख्याल बोलते हैं, और यही गायन अगर तेज गति में गाया जाता है तो इसे छोटा ख्याल बोला जाता है। तो ख्याल गायन में दो टाइप आप याद रखेंगे, बड़ा ख्याल और छोटा ख्याल, और अंतर मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। मैं जल्दी जल्दी कोशिश कर रही हूँ लेक्चर ख़त्म हो, ताकि मैं जल्दी से जल्दी नेक्स्ट वीडियो भी लाऊँ, ताकि आप लोग का कोर्स जल्द से जल्द मेंस आने से पहले ख़त्म हो जाए। चलिए ख्याल संगीत के अंतर्गत जो प्रमुख घराने हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो घराने, आप लोग, घराने का मतलब ये होता है कि इस जगह पे, इस पर्टिकुलर जगह पे इस संगीत की बहुत ही ज़्यादा पीढ़ियाँ आई हैं और इन्होंने उस संगीत का प्रचार प्रसार किया है। तो सबसे पुराना जो घराना हम ख्याल के बारे में बात करेंगे तो वह है ग्वालियर घराना, सबसे पुराना है ग्वालियर का। इसके बाद है किराना घराना। किराना जो घराना है वो राजस्थान में किराना नामक एक गांव है, वहां से इसका नाम पड़ा है किराना घराना। ऐसे ही आगरा का आप जानते हो पटियाला घराना, आप जानते हो भिंडी बाजार घराना। तो ये हमने देखे कि इसमें ख्याल संगीत के अंतर्गत प्रमुख घराने थे ग्वालियर, किराना, आगरा, पटियाला और भिंडी बाजार। तो ये आप मेनली याद करने के लिहाज से बस लर्न करेंगे कि आपको अगर पेपर में आता है तो आप बस घराने का नाम लिखिए, इसके अंदर डिटेल में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ग्वालियर घराना आप ये याद रखेंगे सबसे पुराना घराना है ख्याल संगीत के अंतर्गत। तो ये चीज़ें बस मेनली याद रखने वाली हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कर्नाटक संगीत के बारे में। तो कर्नाटक संगीत, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, कर्नाटक मतलब कि साउथ इंडिया का एक पार्ट है। तो साउथ इंडिया में जो भी संगीत का उद्भव हुआ, जो सबसे पुराना था शास्त्रीय संगीत में, उसमें कर्नाटक संगीत एक मुख्य है। ये संगीत दक्षिण भारत, आमतौर पर आंध्र प्रदेश शहर के राज्य शहर हैदराबाद के दक्षिण में, यहाँ का संगीत है कर्नाटक संगीत। यह प्राचीन हिंदू परंपरा से विकसित हुआ और अरबी इस्लामी प्रभाव से अपेक्षाकृत अप्रभावित रहा। अब देखिए इसमें मेन बात क्या देखने की मिलती है आप लोगों को कि हिंदुस्तानी संगीत की अभी हमने बात की, तो हिंदुस्तानी संगीत था उस पर अरब और मुस्लिम इस्लाम सबका प्रभाव पड़ा था, और उसी के हिसाब से ख्याल गायन, ध्रुपद गायन, इस सब में चेंजेस देखने को मिलते थे। लेकिन कर्नाटक संगीत के अंतर्गत, क्योंकि दक्षिण भारत में ज़्यादा इस्लाम का प्रसार प्रसार नहीं हो पाया था, इस वजह से अरबी और इस्लाम का वहाँ पर प्रभाव कम से कम पड़ा था। उत्तरी भारत में इस्लाम विजय के कारण इस संगीत ने 12वीं सदी के अंत में एवं 13वीं सदी के शुरू में उत्तर भारत के हिंदुस्तानी संगीत को कुछ विशेषताएँ दी थी, जैसे कि अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया।
उत्तरी शैली के विपरीत कर्नाटक संगीत ज़्यादा स्वरोन्मुख है, मतलब कि कर्नाटक शैली में ज़्यादा स्वरों पर ध्यान दिया जाता है और उत्तरी शैली में ज़्यादातर लय पर ध्यान दिया जाता है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट हम बात करेंगे कर्नाटक संगीत में उत्तर भारतीय संगीत की तुलना में कम वाद्य प्रयोग किए जाते हैं और कोई निश्चित वाद्य, वाद्य मतलब कि जो भी हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसकी बात करी जा रही है। तो भारतीय संगीत जो कर्नाटक में है वहाँ बहुत ज़्यादा कम इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं और कोई ये पर्टिकुलर नहीं होता कि यही यूज़ करना है हमें। नेक्स्ट है राग और ताल के मूल सिद्धांत दक्षिण और उत्तर में एक ही है, लेकिन प्रत्येक संगीत परंपरा में वास्तविक रागों और तालों का अपना भंडार है, उनकी शैलियों में भी काफ़ी भिन्नता है। मतलब कि राग और ताल तो आप मानते हैं कि संगीत है तो फिर राग और ताल ऑलमोस्ट एक ही होंगे, बट किसी का कैटेगराइज कुछ और है, किसी की कैटेगराइज कुछ और है, उनकी शैलियाँ अलग है, भंडार अलग है, इस टाइप से यहाँ बात की गई है। अपनी अधिक संगामी भारतीय परंपरा के साथ कर्नाटक संगीत ने रागों और तालों की कहीं ज़्यादा व्यवस्थित और समरूपीय पद्धतियाँ विकसित की है। मतलब कि कर्नाटक संगीत में राग और ताल व्यवस्थित हैं और उत्तर भारतीय जो संगीत है वहाँ पर व्यवस्था नहीं है किसी चीज़ की। अब केंद्र की बात करें तो यहाँ मुख्यतः तमिलनाडु, कर्नाटक जिसे भूतपूर्व मैसूर भी कहा जाता है, आंध्र प्रदेश और केरल आते हैं। मतलब कि ओवरऑल दक्षिण भारत का यहाँ एरिया कर्नाटक संगीत के अंदर कवर किया गया है। अगर हम सिर्फ इसकी विशेषताओं की बात करें तो हम यहाँ लिखेंगे कि इस शैली में ध्वनि की तीव्रता नियंत्रित की जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा तीव्र गति से ये गायन नहीं होता। हेरिकल या कुंडली स्वरों का यहाँ प्रयोग किया जाता है। कंठ संगीत पर ज़्यादा बल दिया जाता है, मतलब कि उत्तर भारत में कंठ और फेफड़े मतलब हर एक ओवरऑल पार्ट यूज़ किया जाता है, यहाँ पर कंठ ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इस शैली में 72 प्रकार के राग होते हैं, वहाँ 10 हमने शैलियाँ देखी, यहाँ 72 हैं। तत्कालिता के लिए कोई स्वतंत्रता नहीं होती और गायन शैली की केवल एक विशेष निर्धारित शैली होती है। मतलब एक चीज़ यहाँ पर है कि इसमें ना जैसे कि हमने देखा उत्तर भारत में सुबह के लिए अलग राग होता है, शाम के लिए अलग राग होता है, कर्नाटक संगीत में जो होता है इसमें कोई पर्टिकुलर एक राग नहीं होता, कभी भी कोई भी गायन हम यहाँ गा सकते हैं और एक विशेष कोई निर्धारित यहाँ शैली गाई जाती है। स्वरों की शुद्धता श्रुतियों से ज़्यादा उच्च शुद्धता पर आधारित होती है। इसका मतलब क्या कि हम जब गायन इसमें गाते हैं कर्नाटक संगीत में तो स्वर ज़्यादा शुद्ध होने चाहिए, मतलब स्वरों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, स्वरोन्मुख शैली है ये, और लय और ताल पर कम ध्यान दिया जाता है यहाँ पर, और स्वरों की ठाट को यहाँ मुखरी कहा जाता है। अब हम देख लेते हैं कि अगर एग्ज़ाम में आ गया कि हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत शैली में क्या अंतर होगा, तो अंतर के बिंदु लिखेंगे यहाँ पे पहले और फिर क्या अंतर है वो हम देखेंगे। जैसे कि अंतर के बिंदु में हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत में क्या क्या, हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत में डिफरेंस क्या क्या है। सबसे पहले प्रभाव देख लेते हैं, तो अरबी, फारसी और अफगान का यहाँ प्रभाव पड़ा है हिंदुस्तानी संगीत में, बट कर्नाटक संगीत में ऐसा कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है, उनकी खुद की शैली है, स्वदेशी शैली कही जा सकती है। स्वतंत्रता की यहाँ बात करें तो तत्कालिता के लिए कलाकारों के पार अवसर थे, इसलिए यहाँ भिन्नता के लिए अवसर मिले हैं और यहाँ तत्कालिता के लिए कोई स्वतंत्रता नहीं प्राप्त थी। उपशैलियों की बात करें, इनकी बहुत सारी उपशैलियाँ हैं जिनसे घरानों का उद्भव हुआ है, जैसे कि हमने ध्रुपद और ख्याल इन सब की, ठुमरी इन सब की बात की है, और गायन शैली की केवल एक विशेष निर्धारित शैली है, यहाँ बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट है वाद्य यंत्रों की आवश्यकता। कंठ संगीत की भांति वाद्य यंत्रों की भी यहाँ आवश्यकता होती है, बट कंठ संगीत पर यहाँ ज़्यादा बल दिया जाता है, पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं होता है। राग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 6 प्रमुख राग हैं और यहाँ 72 प्रमुख राग है, 6 की जगह हमने 10 पढ़े थे तो यहाँ आप 10 कर लेंगे, 10 प्रमुख राग है। मतलब कि यहाँ इन्होंने क्या किया कि जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि ध्रुपद है, ध्रुपद जो है ख्याल से ही निकल के आया है, सॉरी ख्याल जो है ध्रुपद से ही निकल कर आया है, तो इन्होंने इसी हिसाब से जो भी आगे हम और भी राग हैं वो किसी न किसी पर्टिकुलर राग से निकल के आए हैं, इसीलिए ये 6 यहाँ पर कहे गए हैं और यहाँ पे 72 राग यूज़ होंगे। नेक्स्ट है समय। यहाँ पे समय पालन करता है, मतलब सुबह के लिए अलग राग है, शाम के लिए अलग राग है, यहाँ ये समय का कोई पालन नहीं करता, सुबह दोपहर शाम कभी भी कोई भी राग गाया जा सकता है। नेक्स्ट है वाद्य यंत्र। तो यहाँ पर तबला, सारंगी, सितार, संतूर ये मेनली यूज होते हैं हिंदुस्तानी संगीत गायन में, और वीणा, मृदंगम और मैडोलिन कर्नाटक संगीत में मुख्यतः यूज़ किए जाते हैं।
और जैसे कि हमने देखा कि इसका उत्तर भारत से संबंध होता है, उत्तर भारत में भी आप पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, राजस्थान ये एरिया लिखेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर सामान्यतः दक्षिण भारत मेनली यूज़ होता है, जैसे कि केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश ये एरिया। तो ये हो गया इनमें अंतर। तो आप ओवरऑल समझ गए होंगे कि शास्त्रीय संगीत एक संगीत का प्रकार है जो सबसे प्राचीन था इंडिया में, और उसमें दो पार्ट से हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत। हिंदुस्तानी संगीत में भी काफ़ी राग थे क्योंकि इसमें 10 प्रमुख राग हैं, और जो मेन मेन राग हैं एग्जाम में आए वो दो मैंने करा दिए, एक दो और मैं कराऊंगी अभी आगे की क्लासेस में जो कि इम्पॉर्टेंट है एग्जाम में आए हुए। और नेक्स्ट हमने कर्नाटक संगीत देखा जिसमें 72 राग हैं। तो ऐसे हमने इनके अंतर भी देखे, इनकी विशेषताएं देखी, और मुख्यतः इनमें क्या क्या आ सकता है एग्जाम में वो हमने देख लिया। तो मेन शास्त्रीय संगीत यहाँ ख़त्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे जो इसके लोक संगीत है उसके बारे में हम बात करेंगे, जो कि एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। तो आज के लिए बस इतना ही। होप आपको आज की वीडियो पसंद आई। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो में क्या अच्छा लगा और क्या नहीं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।